हाँ ये देखिए पत्ती भी मिल गई भाई। ये देखिए दोस्तों, ये आज मैं आपको अपने घर के जस्ट पीछे एक ऐसी जगह लेके चलूंगा जहाँ इतना घना जंगल है आप देख के भी हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल इतना घना जंगल कि जहाँ दिन में भी जंगली जानवर आते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए, दिन दहाड़े शेर, भालू और जंगली सुअर जैसे इतने भयानक जानवर यहाँ आते हैं कि हम उस एरिया में जाने से भी घबराते हैं। तो आज मैं उस जगह को एक्सप्लोर करूंगा और आपको दिखाऊंगा। और अभी टाइम हो रहा है बिल्कुल शाम के 5:13, आप देख सकते हैं टाइम 5:13। तो जस्ट और ठंड के दिन है और अभी से यहाँ पर अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है और बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो वहाँ जाने का मकसद मेरा यही है कि वहाँ कुछ हमारे पहाड़ में एक ऐसा जो सब्जी होती है, तौड़ बोलते हैं, उसकी तलाश में मैं निकला हूँ क्योंकि कल सुबह मुझे खोदना पड़ेगा और थोड़ा अपने लिए उस सब्जी का जुगाड़ करना पड़ेगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं वहाँ। तो दोस्तों मैं चल दिया हूँ अब वहाँ को और बीच में एक छोटा सा, एक मिनट, कैमरा साफ नहीं हो पा रहा। हाँ थोड़ा सा अंधेरा। हाँ तो चलिए मैं चलता हूँ वहाँ को। अब देखिए यहाँ पर एक नाला पड़ता है जो कि बरसात के टाइम पर बहुत ज़्यादा जिसमें पानी आ जाता है और बहुत सारी दुर्घटनाएं इस नाले पर होके रखी। आप यकीन मानिएगा, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, पहले वहाँ पर नीचे आ, एक मिनट कैमरा ऑन कर लेता हूँ मैं बैक वाला। तो ये देखिए वो नाला यहाँ से ये है और यहाँ से बहते हुए ये आपका लगभग इसका जो एंड है भाई किसी न किसी बड़ी नदी से है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको कहीं वो नहीं किया एक्सप्लोर। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ से होते हुए अब मुझे जाना है ऊपर, एक मिनट, और एक डंडे का सहारा लो। चलिए मैं चल दिया हूँ यहाँ को और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गुफा भी थी भाई, बड़ी रहस्यमयी गुफा थी। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये गुफाएँ तो नहीं है, ये हमने पिछले साल इसको खोदा था क्योंकि इसमें से तरुड़ की सब्जी हमने निकाली थी जिसे हम हमारे पिथौरागढ़ की लैंग्वेज में तौड़ बोलते हैं और कई कई जगह इसको तरुड़ भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया सब्जी होती है, अक्सर उसी के तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। अगर मुझे मिल जाती है तो कल उसको खोदना स्टार्ट करूँगा और उसकी वीडियो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो दोस्तों फाइनली मैं उस जगह पर, एक मिनट, उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ से हमें पहचान है उस बेल की जिसमें तरुड़ लगते हैं। तो ये वाली बेल है, एक मिनट आपको दिखा दूँ, ये वाली बेल है, आपको जूम करके भी दिखा दूँ। सिर्फ पत्तियाँ नहीं दिखेंगी क्योंकि यहाँ पर इस सीज़न में इसमें पतझड़ आ जाती है, सिर्फ इसके जड़ें ही हमें मिलेंगी खोदने पर। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर ढूंढूंगा, लगभग हमें कुछ नहीं तो 10 या 15 जड़ मिल जाती है तो 1 या 2 दिन की सब्जी का जुगाड़ हो जाएगा, मतलब 2 किलो आराम से उसमें से निकल जाएगी और बहुत ही बढ़िया सब्जी। तो ये नहीं कि ये सब्जी जो है आपका मार्केट में मिल जाए, ऐसा नहीं, मार्केट में नहीं मिलती है और ये जब मार्केट में तब अवेलेबल होती है। तो इसकी 2 वैराइटीज होती हैं, एक होती है जंगली और एक होती है आपकी घर पे उगाई जाने वाली। घर पे जो उगाई जाने वाली है वो तो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ये फरवरी और मार्च के टाइम पे, शिवरात्रि के टाइम पे बिकती है, आपको पता ही होगा पहाड़ी है। तो यहाँ पर आपको घर की जो मिलती है वो सबसे मोटाई भी इसकी बहुत अच्छी मोटाई रहती है और लंबाई भी बहुत रहती है जो घर पे तरुण उगाई जाती है। और जो जंगल से हम कलेक्ट करते हैं वो काफ़ी उसमें मेहनत लगती है और उसमें दिक्कत क्या होती है भाई, उसमें काफ़ी सारी मेहनत के बाद थोड़ी सी निकलती है, लेकिन जो असल में क्वालिटी की बात और जिसमें से कुछ हमें जो है फ़ायदा मिले तो वो यही होती है। तो इसको कलेक्ट करना है हमने कल, क्योंकि ये जनवरी के आसपास का सीज़न है, बहुत बढ़िया सीज़न है खुदाई का, और यहाँ पर अगर हम थोड़ा लेट कर देंगे तो ये सड़ जाती है। तो अभी देखिए, और इसका मैं आपको बता दूँ इसका प्राइस क्या है, लगभग अगर कोई बंदा मेहनत करके इसको बेचता है तो कुछ नहीं तो 500 या 600 रुपया किलो आराम से बिकेगा, अंदाजन 500 या 600 रुपया किलो बिकेगा। आप यहाँ कितने रुपया किलो या जंगली वाली मिलती है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर सुअर भी आता है, सुअर ने कुछ गड्ढे कर रखे। दोस्तों आप बाहर से देख रहे हैं तो आप सुअर समझ के हंसेंगे, मुझे पता है हंसेंगे भाई, सुअर जो होते हैं हमारे जो हमारे स्ट्रीट एरिया में होते हैं वो जंगली सुअर नहीं होते, वो ऐसे सुअर होते हैं जो भाई थोड़ा सा डराने में भी डर जाते हैं। और जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसे सुअर पाए जाते हैं जो एक बार अगर बंदा उसको दिखाई दे तो वो अटैक करके उसी समय अपने दांतों से प्रहार करके उसको बंदे को मार देते हैं। तो उन सुअरों से हमें बचना भी पड़ता है। और मैं अपना घर दिखाऊं तो एक मिनट कैमरा ऑन करके आपको दिखा दूं और उसके बाद मैं ये तरुण बता दूंगा कैसा होता है। तो घर देख सकते हैं वो झाड़ियों के पीछे थोड़ा सा दूरी में ही है और उसके पीछे इतना घना जंगल आप देख सकते हैं।
आप यकीन नहीं करेंगे, दूर दूर तक मुझे कोई भी घर नहीं दिखाई देगा। सिर्फ हमारा ही पहला ही घर है, उससे पहले पूरा जंगल ही है, फिर आगे को पूरा गांव है। वो तो आपको शायद दिखाई भी था, नहीं दिखाया। आप देखना चाहते तो बताइए, गांव का भी एक्सप्लोर करवा दूंगा। और यहां पर आप देख सकते हैं रास्ता बिल्कुल नहीं, और रास्ता बनाते हुए मुझे आगे चलना पड़ रहा है। और तरुण की मैंने पहचान आपको बताई थी, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट बड़ी ही एक मिनट यार, रास्ते भी थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल वाले हैं, और मुझे पूरा यहाँ पर देखते हुए चलना पड़ता है। वैसे मुझे इतना डर नहीं है, क्योंकि पास में ही घर है, अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो मैं चिल्लाते हुए और वो बुला लूँगा। मैं यहाँ पर आते जाते रहता हूँ, मुझे इसकी कोई वो नहीं है। तो ये बेल, एक मिनट, ये बेल आप देख रहे हैं, ये बेल, एक मिनट थोड़ा सा आपको, एक मिनट यार, ये टूट गई भाई, ये टूट चुकी है। तो ये बेल होती है, सूख गई है, कैसे दिखाऊँ, इसकी पत्तियाँ भी नहीं हैं। पत्तियाँ देखिए, कुछ पत्तियाँ मिलती हैं तो, हाँ ये देखिए पत्ती भी मिल गई भाई, ये देखिए ये इसकी पत्ती है, सूखी है थोड़ा सा। हाँ, इसकी पत्तियाँ थोड़ा गीठी की पत्तियाँ, देखिए कि गीठी एक ऐसा फल है जिस जो सिर्फ पहाड़ों में ही पाया जाता है। पहाड़ों में बहुत सारे गीठी सॉरी फल है, उसको सब्जी की तरह यूज़ किया जाता है। भाई सब्जी ही है, उसे फल क्या कहें। तो ये आपको जगह, पिछली बार मैंने इसी जगह पर खुदाई की थी, तो आपको इसकी पहचान भी मैंने बता दी है। और यहाँ पर रास्ता तो बिल्कुल है नहीं, ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके सड़क है, लेकिन ये जो घना जंगल है, दिन में भी यहाँ पर धूप नहीं आती है। जहाँ पर खुली खुली जगह वहाँ पर तो आ जाती है, लेकिन जो आगे पूरी जगह पूरी बंद है, बड़े बड़े पेड़ हैं। थोड़ा सा आगे और चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। तो चलते हैं अब हम यहाँ पर, बड़े संकरे रास्ते हैं भाई। एक मिनट कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है, मैं डर रहा हूँ भाई, मुझे एक मिनट हाँ चलिए, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए किसी पक्षी के पंख हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी पक्षी के पंख हैं। हो सकता है यहाँ पर किसी जानवर ने पक्षी पर अटैक करके उसको खाने की कोशिश की है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये पक्षी के पंख हैं, कुछ ज़्यादा ही मात्रा में हैं। तो यहाँ पर इतनी डरावनी जगह भाई ये है, हम घर से बाहर नहीं निकलते भाई, घर से बाहर 50 मीटर के दायरे में नहीं जाते, क्योंकि रात को जंगली जानवर शेर, कभी शेर आएगा तो ज़रूर उसकी क्लिपिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल अभी शेर नहीं है। और शेर आएगा तो जल्दी से मैं सबसे पहले अपने घर पे चिल्ला के आवाज़ दे दूँगा, वो लोग लाठी वाठी जो भी होगी सुरक्षा का सामान लेके आ जाएंगे। मैं बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ चलता हूँ, ये नहीं कि भाई अपने लिए खतरा मोल ले लूँ। और रास्ता तो है नहीं, मुझे यहाँ से कूदते हुए जाना पड़ेगा। एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे भाई रास्ता है नहीं, और काफ़ी यहाँ पर यार मैं गलत जगह आ गया हूँ। फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, मैं ऐसे बॉर्डर पे आ गया हूँ जहाँ पे मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, भाई गड़बड़ होगी ये। तो ये देखिए कितना नीचे आप देख सकते हैं, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट कुछ पत्थर फेंक के दिखाता हूँ, पत्थर है कि नहीं यहाँ पर, मैं ढूंढता हूँ, पत्थर भी नहीं है। कुछ मैं आपको इस लकड़ी को ही फेंक के आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, तो कितना ये नीचे गड्ढा है। तो यार ये रहस्यमय खाई मैंने भी आज एक्सप्लोर किया है, इसको इस तरफ को डरावनी जगह है। मैं बचपन में वैसे भी नहीं आता था, और उसके बाद तो मैं जब एक्सप्लोर करने की उम्र थी तब मैं घर से बाहर रहता था, तो आज ही मैं ऐसी जगह पर आया हूँ। फ़िलहाल अपने ही बॉर्डर पर ही हूँ, मैं किसी और की जगह पर जाकर अपने लिए खतरा मोल नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे उसी जगह का अंदाज़ा है जहाँ मैं डेली जाता हूँ। तो अभी जो है मैं घर से काफ़ी दूर आ चुका हूँ अब, और यहाँ पर रास्ता तो बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हैं कटीली झाड़ियाँ हैं, ये ऐसे कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, लेकिन कटीली झाड़ियाँ हैं। और मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गया कुछ भी रास्ता नहीं है, और मेरे को दिक्कत हो सकती है। और शाम होने को है, और टाइम अभी कितना हो गया देखता हूँ, लगभग 5:30 बज चुके हैं, देखिए 5:30 हो चुके हैं, और मुझे घर को जाना पड़ेगा। और चलते हैं घर को, तो चलिए घर को चलते हैं अब, एक मिनट रास्ता ढूंढते हैं। तो काफ़ी सारे पत्ते वगैरह बिखरे हैं यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ पर फिलहाल एक मिनट यार गड़बड़ होगी ये तो ब्लॉगिंग के चक्कर में। तो यहाँ पर रास्ता मिल नहीं रहा है, चलिए चलते हैं। तो रास्ता मिल गया। तो दोस्तों इस तरह से ऐसे ब्लॉग हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे,
पहाड़ों की रस्मी चीज़ें और पहाड़ों में होने वाली कुछ ऐसी चीज़ें आपको मैंने वो तरुण दिखाया नहीं जल्दी से। कल या परसों मैंने आज काफ़ी बेलें इसकी देखी हैं और यहाँ पर भी एक बेल है। एक मिनट, आपको यहाँ पर पिछले साल मैंने इसको खुदाई की थी, इस जगह पे थोड़ा सा उसका निशान है। तो कुछ कुछ जड़ें जो बच जाती हैं वो अगले साल फिर उग के आ जाती हैं, तो उसी जगह पे खोदने से हमें थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाता है। और बात करें और पहाड़ों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होती हैं। जैसे आपको मैंने तरूर तो दिखाया नहीं, कल परसों खुदाई होगी वो भी दिखा दूंगा। और गीठा, एक गीठा एक ऐसा सब्जी होती है जो कि आलू की तरह ही खाया जाता है, मतलब सूखा सूखा भी आप बना सकते हो और पानी वाला भी बना सकते हो। और चलते चलते मैं आ गया हूँ नाले के पास, और देखिए एक मिनट कांटे भी कटीली जो है झाड़ियाँ हैं। अरे सर में लग गया भाई, मुश्किल है यहाँ से चढ़ना। थोड़ा सा आगे जाके मैं भाई थोड़ा सा नाले के दूसरे छोर पे आया हूँ मैं यहाँ से। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ से रास्ता जो है मिल पाना मुश्किल होगा। मैं जहाँ से आया भाई ये तो रास्ता में भटक गया। एक मिनट, इस जगह पे आज के बाद नहीं आऊँगा क्योंकि यार कैसे जाया जाए। एक मिनट यार, तो पहुँच चुका हूँ फिलहाल मैं पत्थर की चट्टानों को पार करते हुए। और आप देख सकते हैं आगे कितना घना और जंगल है, वहाँ जाना मेरे बस की बात नहीं है भाई। वहाँ जाऊँगा तो मेरे को दिक्कत आ सकती है, टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, लगभग अंधेरा होने ही वाला है। और आप देख सकते हैं सूरज डूबने को है। अपने घर के सामने के बॉर्डर में पहुँच चुका हूँ और घर के बॉर्डर में एंट्री कर ली है जहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया था। और आपको दिखाऊँ मैं गया कहाँ था, आपको गया कहाँ था ये दिखा देता हूँ। ये सामने जंगल मैं अंदर घुस गया था और घुसते काफ़ी अंदर चले गया था और वहाँ से घूमते हुए फिर से यहाँ आ गया था। और बात करें तरुड़ की, तो एक मेरे घर की एरिया में भी तरुड़ है, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक पेड़ पे आप देख सकते हैं पत्तियाँ, ये बिल्कुल ये जो पीली वाली पत्तियाँ हैं वो तरुड़ की ही हैं। ये हमारे घर के थोड़ा सा पास में ही है, लेकिन उतना पास में भी नहीं, दूर है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसकी जड़ को खोदूंगा अभी, चलिए अभी टाइम रहेगा तो खोदूंगा वरना मेरे को मशक्क़त करनी पड़ सकती है। और यहाँ पर कुछ और भी बेलें हो सकती हैं। और यहाँ पर जो आप पेड़ गिरा वाला देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा बचपन में झूला बना के हम लोग खेलते थे, इसमें काफ़ी बार मैं उस झूले से गिरा भी हूँ। और यकीन मानिए बचपन में वो पल बहुत खूबसूरत होता था जब हम लोग पेड़ की डाल का झूला बनाते थे। और पहाड़ों में कुछ अलग ही यहाँ का आनंद है, यहाँ का मज़ा है, इसीलिए मैं कहता हूँ भाई पहाड़ कॉलिंग, मतलब पहाड़ आपको बुला रहा है, भाई वापस आ जाओ, पलायन मत करो। अगर हाँ अगर आप बाहर सेटल हैं, अच्छी जगह वेल सेटल्ड हैं, तो वो आपके लिए जो है बेटर है, वो आपको जो है भाई ज़रूरत है। लेकिन अब बाहर आपकी अर्निंग इतनी नहीं हो पा रही है तो पहाड़ आइए, ट्राई कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई कीजिए जो आप जिस चीज़ में आपका मन लगता है। हाँ अगर उसमें सक्सेस मिलती है तो पहाड़ सबसे बढ़िया यहाँ पर ऑप्शन होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाहर ही रहिए। लेकिन यहाँ की मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, देखिए कम से कम पहाड़ की यादों को ताज़ा तो कर सकते हैं, और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करिए। और भी चीज़ें हैं जो आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में दिखाता रहूँगा, ये नहीं कि एक ही वीडियो मैंने बनानी है और सारा कुछ दिखाना है, तो बहुत सारी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा और बहुत चीज़ें आपको आगे दिखाता रहूँगा, इस तरह से सपोर्ट करना मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।